स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं कंचन। तो हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। भारत में आज कन्या भ्रूण हत्या महाअपराध है, पर देश में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इस घिनौने अपराध को अंजाम दे रहे हैं। सरकार ने इस अपराध को रोकने के लिए तो सख्त कानून बना दिए, पर अब ये कानून महज कागजों पर ही सीमित है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इस अपराध को अपना कारोबार बनाकर खूब पैसे कमा रहे हैं, पर उत्तराखंड में एक ऐसी संस्था है जिसने इस अपराध के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार हम इस महापाप को रोकने में सफल हो पाएंगे या नहीं। जी हाँ, हम इस समय 21वीं शताब्दी में हैं, जहां आज महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं, पर महिलाओं को लेकर आज भी हमारी सोच कुछ अलग ही है। पता नहीं हम क्यों देश को वीरांगनाओं की तरफ भूल जाते हैं। ऐसा घिनौना काम करने से पहले हमें क्यों याद नहीं आता कि देश को आजादी दिलाने में रानी लक्ष्मीबाई का हाथ था। आज की महिलाएं चांद तक पहुंच चुकी हैं, पर पता नहीं क्यों हम उन्हें रसोई घर में क्यों देखना चाहते हैं। आइए अब आपको इसी पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मां, तेरे आंचल में छिप जाने को मन करता है, तेरी गोद में सो जाने को मन करता है। जब तू है साथ मेरे, जिंदगी जीने को मन करता है। तू ही है जिसके साथ मैं खुश हूँ, बस तेरे दामन में ही महफूज हूँ। पर माँ, क्या कसूर है मेरा जो तू भी मुझे नज़रअंदाज कर देती है। मुझे जिंदगी की बजाय मौत के आगोश में सुला देती है माँ। माँ, अब तो कांपती है रूह भी, ना जाने मेरी जिंदगी और मौत का फैसला कब हो जाए। जब माँ का साया ही साथ नहीं तो आखिर कौन साथ होगा मेरे। माँ, मुझे भी दुनिया को देखना है, मुझे भी इस दुनिया में जीना है। माँ, मुझे जीने दो। माँ, मुझे जीने दो। ये शब्द उस नन्ही सी परी के हैं जो बिना इस दुनिया को देखे इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या अपराध नहीं महाअपराध है, पर अब भी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें इंसानियत खत्म हो चुकी है। कन्या भ्रूण हत्या का नाम सुनते ही इंसान की रूह कांप जाती है, सोचकर ही होश उड़ जाते हैं कि ऐसा बड़ा गुनाह कोई इंसान कैसे कर सकता है। अगर कुछ वक्त पहले की बात की जाए तो एक समय देश में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अलग ही माहौल था। हर कोई हाथ में कैंडल लेकर सड़कों पर दिखाई दे रहा था, पर अफसोस वो मंजर कुछ समय तक ही रहा। इसके बाद राजनेताओं ने और मुद्दों की तरह इसे भी राजनीतिक मोड़ दिया और इस मुद्दे पर भी जमकर सियासत करना शुरू कर दिया। और फिर लोगों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सख्त कानून भी बना दिए। पर आज कुछ लोग धड़ल्ले से इन कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पर वही कुछ लोग और संस्था ऐसी भी हैं जिन्होंने आज भी कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है, जो आज भी लोगों में इंसानियत को कायम रखने का काम कर रही है, और वो संस्था है मुझे जीने दो। राष्ट्रीय स्तर की ये संस्था हर दिन कुछ न कुछ नया करके लोगों को कन्या भ्रूण हत्या के प्रति जागरूक कर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इस संस्था से जुड़कर अपना हर संभव योगदान दे रहे हैं। ये संस्था इवेंट के जरिए लोगों को एकजुट कर कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कर रही है। साथ ही मुझे जीने दो संस्था पुलिस की मदद से उन डॉक्टरों का भी भंडाफोड़ कर रही है जो कन्या भ्रूण हत्या जैसे महापाप को बढ़ावा दे रहे हैं। तो चलिए आज हम अपने चैनल वन न्यूज पर आपको खास पेशकश दिखाएंगे। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता ममता काले और साथ ही हमारे साथ मौजूद है समाज
सेविका कविता शोक, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल वन न्यूज पर। तो आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि आखिरकार कब रुकेगी कन्या भ्रूण हत्या, आखिरकार कब हम इन चीजों से आगे निकल पाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो इतना हाईटेक जमाना है, लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं और आज के हाईटेक जमाने में अगर देखा जाए तो हर लड़के के साथ लड़की कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर भी आज देखा जाए तो कन्या भ्रूण हत्या रुकने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ती गई है। तो सबसे पहला सवाल मेरा ममता काले जी से है और मैं ममता काले जी से यही पूछना चाहूंगी कि आखिरकार कब ये भ्रूण हत्या रुकेगी, कन्या भ्रूण हत्या आखिरकार कब रुकेगी, जहां आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो हर एक लड़की आगे बढ़ना चाहती है और बढ़ भी रही है, लेकिन इन तमाम सवालात के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज भी कन्या भ्रूण हत्या पर हम रोक नहीं लगा पाए हैं। बिल्कुल सही बात है और बहुत ही दुख की बात है कि भारतवर्ष के अंदर जहां पर एक तरफ नारी को और कन्याओं को देवी माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उनके बिना शादी के बाद तो जब अगर कोई पूजा भी होती है तो कहते हैं पति पत्नी साथ में ना बैठे तो वो हवन और वो पूजा भी कंप्लीट नहीं होती है। एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये कि सृष्टि को आगे बढ़ाने वाली वो नारी ही है। अगर ये सारी चीजें होने के बावजूद आज तक हम इस मानसिकता से नहीं निकल पाए कि अगर बेटी हो जाती है तो वो हमारे लिए पनौती नहीं है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। पर इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगी कि जो भ्रूण हत्या है ये बहुत ही अंडर रिपोर्टेड क्राइम है भारतवर्ष के अंदर। जिस पैमाने पर ये होता है क्राइम, एक्चुअली ये क्राइम है, और जिस पैमाने पर ये होता है इसको रिपोर्ट भी नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, तमाम लोग हैं जो आए दिन फीटस किलिंग करते रहते हैं और ये चीजें पता भी नहीं चलती हैं। सेक्शन 315 जो है पीनल कोड का, उसमें पूरी तरीके से जो ये भ्रूण हत्या है इसको डिफाइन किया गया है। कारण क्या है, होती क्यों है भ्रूण हत्याएं, लड़कियों बच्चियों को क्यों मारा जाता है। हमारा जो सोशल सेटअप है वो सेटअप इतना खराब है कुछ कुछ जगहों पे, कुछ लोगों के साथ में, उन लोगों की जो मानसिकता है उसको लेकर के, कि उन्हें लगता है कि अगर बेटी हो जाएगी तो हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, बेटा होगा तो वंश हमारा नाम आगे बढ़ेगा, बेटी तो शादी करके दूसरे घर में चली जाएगी और वो हमारा नाम बढ़ाने वाला कोई रहेगा नहीं, लड़का होगा शादी करके बहू लाएगा उसके बच्चे होंगे तो हमारा वंश आगे चलेगा, नाम बढ़ेगा। लेकिन वो मां बाप ये नहीं सोचते हैं कि सिर्फ लड़के ही हो गए अगर सबके तो वंश बढ़ाने वाली बहू उनके घर में कहां से आएगी। एक ये रीजन है। दूसरा रीजन दहेज। बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं, गरीब परिवार, जिनको ये डर सताने लग जाता है कि अगर हमारी बेटी हो गई तो कल को उसकी शादी कैसे करेंगे, उसके लिए दहेज कहां से लाएंगे, क्योंकि अगर दहेज नहीं देंगे तो अच्छे घर में उसकी शादी ही नहीं होगी। ये बहुत बड़ी एक समस्या है। गरीबी, कई जगह ऐसा हो जाता है कि गरीब लोग होते हैं, सेम ये इंटरलिंक्ड है एक्चुअली गरीबी और दहेज। तो ये सारी ऐसी कई चीजें हैं, कई रीजन है जिसकी वजह से बच्चियों को भ्रूण हत्या कर दी जाती है। और मैं इस बात को एक नारी होने के नाते बिल्कुल मानती हूं कि भ्रूण हत्या बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। यह बहुत बड़ा क्राइम है जो लोग करते हैं, चाहे वो माता पिता हों, चाहे वो उस परिवार के बाकी बड़े बुजुर्ग लोग हों, और वो डॉक्टर्स, वो तमाम नर्सेस जो भी हैं, जो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, दे शुड एक्चुअली बी बिहाइंड बार्स, उनको बिल्कुल जेल बंद कर देना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। और इसी की शुरुआत इस चीज को खत्म करने के लिए और इस दर्द को जो समझा है वो समझा है हमारे आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, और इसीलिए इस समस्या को देखते हुए उन्होंने बहुत बड़ा आह्वान भारतवर्ष के अंदर किया है और वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एक ऐसा कार्यक्रम है, ये एक ऐसा एक्चुअली कार्यक्रम नहीं है, ये एक सामाजिक कॉज है जो दी है पीएम ने, बिकॉज उन्होंने वो वेदना देखी है, सहन करी है और उसके बाद ही ये बात बोली है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक ऐसी चीज है जिसको हर एक को करना पड़ेगा और नीचे से लेकर ऊपर तक करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि बोलने के लिए करना है, क्योंकि जब तक बेटी बचेगी नहीं, बेटी पढ़ेगी नहीं, समाज कैसे चलेगा, कैसे आगे सारी चीजें होंगी। तो ये कॉज ऐसी है जिसको आगे बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ममता काले जी, यहां रोकना चाहूंगी और एक ये भी मैं बात बताना चाहूंगी साथ ही अपने दर्शकों को भी कि जिस तरीके से कन्या भ्रूण हत्या का मामला आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इन चीजों पर काम कर रही हैं, यानी कि जिससे कन्या भ्रूण हत्याओं को रोका जा सके। तो हमारे साथ फोन लाइन पर शिल्पी अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिल्पी अरोड़ा उत्तराखंड में एक संस्था चलाती हैं, मुझे जीने दो। तो चलिए शिल्पी अरोड़ा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपने अब तक क्या कुछ कदम इस मुद्दे पर उठाए हैं, क्या कुछ अब तक आपने किया है? देखिए, हमारी संस्था वॉटर है, वुमेन्स एसोसिएशन फॉर ट्रेनिंग एम्पावरमेंट एंड रीसेटलमेंट,
हमने इसमें महिला उत्थान के लिए कई काम करे हैं, अलग अलग काम करे हैं, उसमें चाहे महिलाओं की फाइनेंशियल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ट्रेनिंग हो, उनके रोजगार के अवसर देते हैं। उसके साथ साथ हमें लगा कि ये जो भ्रूण हत्या है बहुत बड़ी समस्या है, इससे कि पूरे देश में सेक्स रेशो बहुत खराब होता जा रहा है। इसके लिए हमने मुझे जीने दो की शुरुआत करी। 12,000 लोगों ने उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में शपथ ली कि हम भ्रूण हत्या ना होने देंगे और ना ही किसी भी तरीके से उसमें भागीदारी करेंगे, अपने आसपास भी नहीं होने देंगे, और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, जो शोषण होते हैं, वो भी ना खुद करेंगे और ना उसमें किसी भी तरीके की भागीदारी करेंगे। ये काफी बड़ा कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें कि एक कॉम्बिनेशन था राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, तीनों चीजें पहली बार एक मंच पर आई हैं और एक मैसेज देने का प्रयास किया है। क्योंकि जब हम सेमिनार कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करते हैं तो अटेंडेंस काफी कम होती है और लोगों को लगता है कि सिर्फ भाषणबाजी हो रही है। यहाँ हमने आर्टिस्ट को बुलाकर, काफी सेलिब्रिटीज को बुलाकर, सामाजिक क्षेत्र से लोगों को बुलाकर एक लोगों का आह्वान किया है कि हमें भ्रूण हत्या रोकनी है। लेकिन शिल्पी जी, कब कब ये शुरुआत आपने आखिरकार कब की? हेलो, देखिए हमारी संस्था 2001 से काम कर रही है और ये वाला जो मिशन है, ये जो हमने शुरू किया, ये अक्टूबर 2015 में शुरू किया, मुझे जीने दो। इसमें मुझे जीने दो अगर आप शब्द में ही जाएं तो ये एक गहराई है, ये एक महिला की, हर कन्या की, जिसको की कोख से लेकर कब्र तक एक शोषण का बर्दाश्त करना पड़ता है, ये उस हर महिला की आवाज है कि मुझे जीने दो, मुझे पहले तो इस दुनिया में आने दो, जब मैं दुनिया में आती हूँ तो मुझे अच्छा खाना पीना दो, अच्छी शिक्षा दो, और उसके बाद मुझे ससुराल वालों के हाथ में शोषण बर्दाश्त करना पड़ता है। महिला जब घर से निकलती है, चाहे ऑटो वाला हो, घर का नौकर हो, बाहर हो, हर तरफ उसको गंदी नजरों से देखा जाता है। तो ये बिल्कुल अपील है, ये हर लड़की हिंदुस्तान कितने, की हर महिला, हर कितने फीटस है। कितने फीटस आपने अभी तक मरने से बचाए हैं आपकी संस्था के द्वारा? शिल्पी जी देखिए, हम लोग काफी इसमें अवेयरनेस का काम कर रहे हैं और लोगों में ये जागरूकता पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये सामाजिक है और जहाँ जहाँ अस्पतालों में इस तरीके के केस आते हैं उसको हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। आज ही देहरादून में पद्मावती हॉस्पिटल का एक केस आया था, जहाँ पे कि जो इंस्ट्रूमेंट है इन चीजों में और डेली कई अबॉर्शन इस तरीके के अवैध ऑपरेशन करते हैं, उसमें भी हमने भागीदारी ली है और तुरंत रेड हुई है आज भी। तो आप ये खुद सोचिए कि दिन में अगर 2-3 कोई भी हॉस्पिटल ऐसे ऑपरेशन करता है तो महीने में लगभग 100-150 इस तरीके के इलीगल अबॉर्शन कई नर्सिंग होम में हो रहे हैं, और उसके लिए हमारी संस्था टास्क फोर्स के माध्यम से पूरा काम कर रही है। तो बिल्कुल शिल्पी जी, आप बने रहिए, आपसे आगे भी मैं सवाल पूछती रहूंगी। तो एक बार फिर से अब मैं रुक करती हूँ कविता अशोक का। कविता अशोक जी से मेरा पहला सवाल यही है कि वो खुद समाज सेविका हैं, तो उनसे मेरा सवाल यही है कि उन्होंने इस चीज में अब तक क्या कुछ कदम उठाए हैं और आगे वो क्या कुछ कदम इस मुद्दे पर उठाना चाहती हैं या उठा सकती हैं। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो मुद्दा है ये इतना बड़ा है कि इस पे बुलंदी से काम करना पड़ेगा। अगर हम डर के इस पे काम करेंगे तो होगा नहीं। अगर हम लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप जो है अपनी ये भ्रूण हत्या ना करें, या बेटियों को पैदा होने दें, या जब पैदा हो तो इन्हें अपना सौभाग्य माने, तो ये एक होने के बाद की चीज नहीं है, ये मेंटल फ्रेम चेंज करने की बात है। बिल्कुल। तो मैं जिस तरह से काम करती हूँ, मैं अवेयरनेस और मेंटल फ्रेम को चेंज करना चाहती क्या काम करूँ सोसाइटी में। बिल्कुल बिल्कुल। शिल्पी जी का काम अलग है, मैं मानती हूँ कि ये हॉस्पिटल्स में जाके प्रैक्टिकली जो है वो उनको चेक कर रही है और उनको रोक पा रही है। हम जो काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि वो जो दिमाग में जो कीड़ा आया है कि ये बेटी हमारे आई नहीं, ये तो बोझ है, उसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, मैं अर्बन सोसाइटी में रहती हूँ और जैसे कहा गया कि भाई जो पुअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है वहां पर ये ज्यादा है, ऐसा नहीं है। बहुत एजुकेटेड लोगों को मैं जानती हूँ, मेरी खुद की पर्सनल फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही, मतलब आप कहो कि वेल ऑफ रेज फैमिलीज की हैं, ममता जी ये आप मानेंगी, वो भी रोती हैं लड़कियां कि हमें अबॉर्शन नहीं कराना, आई वॉन्ट अ डॉटर, मगर हस्बैंड का, फैमिली का इतना प्रेशर है कि वो लड़कियां चुपचाप, हमारे ऐसी पढ़े लिखे लोग, हाँ, तो उन लोगों को, उन लोगों को मैंने उसमें कवर किया है जो ये कहते हैं कि हमारे को अपना वंश आगे बढ़ाना है। नो, सो दैट आई हैड कवर्ड अंडर दैट कि वो उन लोग, वो लोग उस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि हमारे को वंश आगे बढ़ाना है तो हमें लड़का चाहिए, अपनी बहू को प्रेशर में रखते हैं कि हमें लड़का चाहिए क्योंकि वंश आगे बढ़ना है, नाम लड़की नहीं लड़का आगे बढ़ाएगा। एजुकेटेड फैमिलीज है उसमें भी इशू है। और एक सबसे दुख की बात यह है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो एक्ट आया था 1971 में, वो इसलिए था कि जो अगर मदर को प्रेगनेंसी में कोई रिस्क है तो टर्मिनेशन
जो है वो लीगली है, मगर उसको किस कदर से मेडिकल प्रोफेशनल्स ने, मुझे कहना नहीं चाहिए, यू नो ये ओपन डिबेट है और नेशनल है और ऑन टेलीविजन मैं कह रही हूँ, सब डॉक्टर मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मगर ये करेक्ट है कि किस तरह से उसको मिसयूज करा गया है। जगह जगह क्लिनिक्स हैं, आप देखो ना बढ़ भी तो गए हैं, हॉस्पिटल से क्लिनिक्स है, ना कोई ट्रेस है, ना कोई डेटा है, ना कोई उनको चेक कर रहा है, इस हिसाब से चेक भी नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से प्रेगनेंसीज, और आप सोचो कि इवन यंग बच्चों में इतने अबॉर्शंस हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो सब इलीगल है, और जो ये गर्ल चाइल्ड को लेकर हो रहा है ये तो खैर मां मैं तो उसको पाप मानती हूँ कि आपने कंसीव कर लिया और प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन करवा लिया कि गर्ल है कि बॉय है और आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ये चाइल्ड नहीं चाहिए, तो मतलब ये इससे बड़ा पाप हो नहीं सकता क्योंकि आपने हत्या की है। इट इज एज गुड एज क्रिमिनल एज अ मर्डर। बट इसका ये भी है कि ये पेपर में नहीं होना चाहिए, जो भी काम करे, जो भी संस्था काम करे, उसके लिए ये होना चाहिए कि वो एक्चुअली फील्ड में जाके एक्शनेबल चीजें करें और अचीव करें। वो अचीवेबल होना चाहिए और अचीव करना चाहिए कि आपने कितने फीटस मरने से रोके हैं। हाँ। वो नंबर्स आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। इसमें बहुत लोगों को, हमारे से लोगों को जुड़ना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पर जो लोग कर रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। दूसरी बात ये कि डॉक्टर्स, अगर आपको पता चलता है, मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल आप जो लोग भी ये संस्थाएं चलाते हैं टेकअप करना चाहिए, FIR देर एंड देन करवा के टेकअप करके उनके लाइसेंसेस आप कैंसिल करवा दीजिए, क्योंकि तब वो एक्चुअली ट्रू सेंस में होगा कि फीटस को बचाया जा रहा है, भ्रूण हत्या जो है, बच्ची की भ्रूण हत्या जो हो रही है वो रोकी जा रही है, क्योंकि ये टफ एक्शंस जब समाज से आएंगे, सोसाइटी से आएंगे, एक्शन में आएंगे, पेपर के बजाय उनको किया जाएगा, तब ये चीज बिना जबरदस्त तरीके से काम करेगा। प्रोफेशनल्स को चेक करें बिना मेडिकल प्रोफेशनल, इसमें दो लोग हैं, एक वो है फैमिली है हमारी, एक हो गए मेडिकल प्रोफेशनल, जिसके पास मेरे से कोई बंदा जा रहा है और कह रहा है जी आई डोंट वांट अ गर्ल चाइल्ड, तो पहली गलती मेरी, दूसरी उसकी जो सामने बैठा है डॉक्टर और वो जो कर रहा है, तो ये दोनों तरफ से चेक होना चाहिए, उनको तो लीगल एक्शन होगा, बिल्कुल। ये एक बहुत ही लॉस तो निकल गए, मैंने बहुत पढ़ा है और आप भी सब जानते हैं लॉस, बिल्कुल, बट इम्प्लीमेंटेशन और चेकिंग वो अभी मुझे लगता है कहीं हमारी भी ढील है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से पूरा मुद्दा है और हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग के पास और तमाम चीजें हैं, राजनीतिक बातों पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, इस तरीके के बातों पर हम लोग चर्चाएं भी नहीं होती हैं, और कह सकते हैं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन बातों पर चर्चा नहीं हो पाती है। तो ममता काले जी, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके की बात आप कह रही हैं, अगर कन्या भ्रूण हत्या की बात कर ले तो सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या हरियाणा में देखी गई है। हरियाणा से आए दिन इस तरीके की खबर आती है और आए दिन इस तरीके के मुद्दे वहां से उठते हैं, और अगर देखा जाए तो आज भी हरियाणा में लिंग अनुपात सबसे कम है। तो आप ही की सरकार है, इसके बावजूद भी वहां पर क्यों ये सारी चीजें नहीं रुक रही हैं, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहली बात, सरकार अभी आई है भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। पहली बात, इससे पहले किसकी सरकार थी और हत्या के क्या भ्रूण हत्या के क्या वहां पर अनुपात थे, क्या रेशो थे, वो आपको पता है, वो डेटाज आपके पास है। दूसरी बात, आपके पास ये भी डेटा होंगे कि भाजपा की सरकार बनने के बाद हरियाणा में भी और केंद्र में भी और मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आह्वान के बाद रेशो में कमी आई है, नीचे गिरा है। वहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो सेल्फी वाला जो एक कार्यक्रम माननीय मोदी जी ने किया था, उसमें हरियाणा के जो पिता हैं वो आगे आके उन्होंने उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और प्लेज लिया कि हम अपनी बेटी को भी बचाएंगे और आगे सोसाइटीज को भी इनकरेज करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज एंड दैट टू हरियाणा जैसी स्टेट में, जहां पे बेटी को पैदा करना एक्चुअली बहुत गलत माना, गलत इन द सेंस कि उनको लगता है कि नहीं बेटी नहीं होनी चाहिए, हमें तो छोरा ही चाहिए कुछ भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां पे ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हुआ है, क्योंकि ये कार्यक्रम है जो जमीन से जुड़ करके काम कर रहा है, और अब इसके लिए पूरी समितियां हैं जो काम करती हैं और जिसमें महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। मैं एक बात पूछना कहना चाहती हूं इसके बीच में कि अब आप देखो, ठीक है कार्यक्रम बना है और हो रहा है, मीडिया पे आ रहा है, मेरे जैसा पर्सन वांट्स टू नो कि वही वाली बात कि एक्चुअल में जैसे आपने उनसे फिगर्स मांगे थे, हम भी चाहते हैं कि फिगर्स आए, हम भी लेके आए फिगर्स हैं, हरियाणा के फिगर्स हैं, आप बड़ा सवाल है कि आप निकालिए, आप बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, आप फिगर निकालिएगा, मैं भी आपका फिगर है, फिगर ऑनलाइन है, आप उनको निकालिए, ड्रॉप हुआ है, आफ्टर बढ़िया बात है, ड्रॉप हुआ है, और मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड में बोल रही हूँ, ड्रॉप हुआ है, लोग आगे आए हैं, जो सेल्फी विद डॉटर वाला जो कार्यक्रम हुआ है उसमें ऑल ओवर इंडिया से एंड ऑल ओवर इंडिया के अलावा हरियाणा से लोग हैव कम फॉरवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, ममता काले जी रोकना,
जानना चाहूंगी, मेरा सवाल अब शिल्पी से है। शिल्पी, आपसे मेरा सवाल यही है, आपने बताया कि मैं हॉस्पिटल्स में जाती हूँ और इस तरीके के जो केसेस होते हैं उसमें हम लोग अहम कदम उठाते हैं, तो आप थोड़ा सा अपना आगे का बताइए कि आपकी जिम्मेदारियां हॉस्पिटल्स के अलावा भी कुछ और हैं और आगे आप क्या करना चाहती हैं। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि समाज में मानसिकता बदलने की जरूरत है, बिल्कुल लोगों को ये बताने की जरूरत है कि किस तरीके से लड़कियों में और लड़कों में कोई फर्क आज की डेट में नहीं रह गया है। हम अपने लोगों को जब काउंसलिंग करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, हम ये बताते हैं कि किस तरीके से लड़का और लड़की आज की डेट में शादी के बाद दोनों ही घर छोड़ देते हैं। लड़की फिर भी पूछेगी और आपका बेटा जो है वो आपसे के बिना परमिशन के बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन शिल्पी जी, आज भी समाज में यही सोच है और यही मानसिकता लोगों की है कि जो बेटा कर सकता है वो बेटी नहीं कर सकती है। ये सच बात है, इतना बदलाव आया नहीं आया एक्चुअली। सबसे पहले थैंकफुली, क्योंकि मैं उत्तराखंड की हूँ और उत्तराखंड में ही पैदा हुई हूँ और वहीं पर मेरी परवरिश हुई है, तो ये बात सच है कि उत्तराखंड में इतना यहाँ वहां पर फीटस किलिंग, जो फीमेल फीटस किलिंग है, इट इज नॉट एन इशू, इट इज नॉट एन इशू एट ऑल। इशू ये एक्चुअली मेनली देखा जाए तो बाकी राज्यों में है, बाकी राज्यों में है, तो वहां पर इस कार्यक्रम को ऊपर बढ़ा करके करने के लिए बहुत आवश्यकता। और मैं तो कहती हूँ कि वहां पर अगर ये एनजीओ जाए और इसको ट्रू सेंस में काम करे तो ये एक्चुअली एक ट्रिब्यूट होगा और सच्चे सेंस में ये काम होगा कि बेटी को बचाया जा रहा है और भ्रूण की हत्या होने से रोकी जा रही है, क्योंकि क्योंकि उत्तराखंड के गांव में ऐसा है नहीं अभी। सिनेरियो इज नॉट लाइक दिस। शिल्पी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप कैपिटल में दिल्ली में आकर के इस संस्था के साथ काम करना चाहें तो आप मुझे जरूर जोड़े उसमें। आई वुड बी मोर देन हैप्पी कि मैं आपके साथ जुड़ू और इधर हम काम कर सकें। तो बिल्कुल जिस तरीके से, बिल्कुल शिल्पी, रोकना चाहूंगी आपको क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। तो यही एक चीज हम आज अपने प्रोग्राम में लेकर आए हैं कि कन्या भ्रूण हत्या जो कि आए दिन बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही, और सबसे ज्यादा अगर लिंगानुपात देखा जाए तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में देखा गया है। और अब देखने वाली बात यह है कि सरकार क्या कुछ अहम कदम उठाती है इसमें, सरकार क्या कुछ करती है, जिस तरीके से जो इसका लिंगानुपात जो है वो घटता ही जा रहा है। अगर हम हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा के सिवा अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी बहुत कम लिंगानुपात देखा गया है। रोकना चाहती हूं, आप बार बार ये मत कहा करें गवर्नमेंट क्या करिए, सरकार हर नागरिक सोचेगा, ठीक है कि नहीं ममता जी, हम किसी गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर देखना चाहूंगी उत्तराखंडी होने के नाते कि हरीश रावत जी इस चीज के लिए उत्तराखंड में तो ये बहुत ही ये क्राइम एक्चुअली है ही नहीं। बिल्कुल, तो साफ बिल्कुल कहना यही है, बिल्कुल 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 मानना यह, बिल्कुल तमाम चीजों में एक सबसे बड़ा यही है कि लोगों को अब अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। और साफ बिल्कुल सही कहा कविता अशोक ने कि अब लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है, क्योंकि सरकार तो कदम तभी उठाएगी ना जब लोगों की मानसिकता बदलेगी। तो हमारे साथ आज प्रोग्राम में ममता काले जुड़ी थी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, और समाज सेविका कविता अशोक जुड़ी थी जिन्होंने काफी अहम काम किया और कई मुद्दों पर वो अभी भी काम कर रही है। तो आज के हमारे खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार।